राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग्स में आपका स्वागत है और आप ये शो सुन सकते हैं। ये है मिस्टर अक्षत का। तो आज है मंगलवार, मैं नहा रही हूँ और बस अब बनाऊंगी चाय। और अक्षत आ गया है स्कूल से, तो आज उसके एग्ज़ाम्स जो है ख़त्म हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो अब तो मेरी और ज़्यादा शामत है, क्योंकि घर में रहेगा जब तक, तब तक बस देर से उठना, देर से नहाना, सारा काम लेट हो जाता है, बच्चे घर में होते हैं जब। तो राशि मैडम भी अभी सो रही है और कार्तिक गया है कॉलेज, अक्षत स्कूल से आ चुका है। बनाती हूँ चाय और इसे भी कुछ खिला देती हूँ, हम भी कुछ खा लेते हैं, मैडम को भी उठा लेते हैं। तो और पता नहीं, कल तो दिन में बहुत ठंड गर्मी थी, सॉरी, और अब जो है एकदम से ठंड हो गई है। तो बने रही है हमारे साथ। तो भी शाम का टाइम है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई बच्चे अपने अपने रूम में हैं और मैं यहाँ जो है राधा नाम सुन रही हूँ, राधा नाम चल रहा है। तो बस ये देखिए, और मैंने दिन में बनाई थी काली मसूर की दाल और चावल, आज भी बनाए थे। तो अक्षत के भी कल आज एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गए हैं, तो छुट्टियां हैं, तो ये मेरा घर में ऐसे दिमाग खाएगा, अभी ट्यूशन से आया है। तो बना लेते हैं पहले चाय, फिर देखते हैं। मंदिर से आ रही है पूजा की आवाज़, आरती वगैरह की। दाल बनाई थी मैंने आज, काली मसूर की दाल, थोड़ी सी बच गई है, थोड़े से ही चावल हैं, तो ख़त्म भी करने ज़रूरी है कल, क्योंकि एकादशी है, थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं है। देखती हूँ बच्चे क्या बोलेंगे बनाने के लिए। राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है बुधवार यानी कि वेडनेसडे, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 होने वाले हैं अभी। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, तो लेट क्या उठी तो बहुत देर से हुई थी, बस फिर इनसे बात की और फिर व्लॉग वगैरह अपलोड किया, तो मैं मुझे लेट हो गई इसलिए। फिर नहा कर आई हूँ, तो बस अब मेरे को पूजा वूजा करनी नहीं है, तो अभी बना रही हूँ चाय। और आज कार्तिक भी गया नहीं है, मैं इस वजह से भी लेट हो गई हूँ, क्योंकि आज महाराज जी उठे नहीं थे। देखिए आज ये पहना है सूट, और गर्मी आ गई है, तो फिर वही सूट पहनो हो और फिर उनको प्रेस करो, क्योंकि जो वेलवेट के कुर्ते होते हैं उनको तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कॉटन के और ये सब जो गर्मी वाले कुर्ते होते हैं इनको प्रेस करने की तो ज़रूरत पड़ती है। तो इकट्ठे होते जा रहे हैं, देखती हूँ किस दिन जिस दिन मूड हुआ उस दिन प्रेस करूँगी, डेली डेली भी प्रेस किए जाते हैं, बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो मैंने बहुत सारे प्रेस करके रख दिए थे सर्दी में, तो वो सारे इकट्ठे हो रखे हैं अभी प्रेस, तो एक एक दिन रोज पहन लेती हूँ और फिर वो जब हो जाएंगे ना ख़त्म, तो फिर डेली प्रेस करने पड़ेंगे। फिर किसी दिन सारे कपड़े सारे जो है सूट्स एक साथ प्रेस करके रख दूँगी, ऐसे होता है। डेली डेली सोचती हूँ कि करूँ, पर सर्वाइकल सूट ऐसे डेली नहीं प्रेस कर पाती, बहुत ज़्यादा कपड़े पहले तो मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस करती थी, बच्चों के भी एक एक कपड़ा मैं प्रेस करके, अभी जब छोटे से थे जब भी मैंने उनको बिना प्रेस के जो है कपड़े नहीं बनाए, मम्मी बाजी के दादा दादी मम्मी थी तो मम्मी तो कर लेती थी अपने कपड़े प्रेस, कभी बहुत मतलब होता था मम्मी के भी मैं करती थी, बट मम्मी कह देती थी चल तू काम कर ले मैं अपने और बाजी के कर लूँ, फिर मम्मी चली गई तो फिर बाजी के भी बाजी के कपड़े वगैरह सब प्रेस करती थी। इवन बेडशीट्स भी मैंने कभी बिना प्रेस के जो है बेडशीट्स नहीं बिछाई है, तो
मेरी बहुत ही गंदी आदत थी, तो अभी भी है कि मैं विदाउट प्रेस करे हुए जो है मैं कपड़े कवर्स में नहीं रख सकती हूँ, तो मैं टेबल पर रख देती हूँ, तो वो टेबल पर पहले रखे जाते थे, इसलिए जो है अभी ये टेबल मैंने बनवाई है प्रेस की, तो इसमें अंदर रख देती हूँ जितने भी प्रेस के मेरे कपड़े होते हैं, धोकर उसमें इकट्ठे कर देती हूँ, फिर उसको प्रेस कर कर के फिर लगाती हूँ कबर्ड्स में। तो ये मेरी आदत शुरू से ही है, गंदी आदत है ये, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं कपड़े। अब बच्चों के कपड़े को करने जो है मैंने छोड़ दिए हैं, बट हाँ राशि है, कई बार कभी कहीं जाती है तो वो एट अ टाइम प्रेस कराती है, मम्मी ये कर दो तो करने पड़ते हैं, इनके भी कर देती हूँ कई बार, बट ऐसे नहीं है डेली के कपड़े मैं नहीं प्रेस करती हूँ, इनके अपने करती हूँ। मैं बिना प्रेस के कपड़े प्रेस नहीं मैं नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सलवटों वाले कपड़े पहनने, तो मैं ऐसे प्रेस करके टिचम टिच रहना पसंद करती हूँ। तो मुझे आप भी बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसे रहना पसंद है। मुझे तो सुबह उठकर तैयार होकर बिल्कुल टिच, जैसे अभी कहीं जाना है ऐसे ही रहती हूँ मैं। हाँ मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, बस हल्की सी लिपस्टिक न्यूड शेड लगाती हूँ, अब न्यूड शेड लगाती हूँ, पहले तो बहुत हल्की सी लगा लेती थी, पहले न्यूड शेड नहीं आते थे जब, और बस बिंदी, और कभी जब शादी हुई थी तो मैं साड़ी ही पहनती थी, तो अभी 2-3 साल से ही सूट पहनने स्टार्ट किया है, तो डेली जब शादी हुई थी जब साड़ी जो पहनती थी डेली उस साड़ी के साथ की जो है चूड़ी, और अब तो बस एक कड़े पे आ गए हैं, तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और होना भी चाहिए टाइम के साथ थोड़ा सा, बट हाँ लगता है हम ज़्यादा ही चेंज हो गए हैं। तो ये देखिए रख दी है चाय, आ रही हूँ चाय, अक्षत आ रहा है नहा के, अक्षत की क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो अक्षत नहा के आ रहा है। मैडम हमारी अभी सो रही हैं, उठाया है उनको कि उठ जाओ चाय बना रही हूँ, तो बस अब उससे चाय नाश्ता करा के फिर करेंगे काम, और आज बनाऊंगी दाल के पराठे या पूरी, क्योंकि दाल रखी है मैंने बनाई थी तो उड़द चने की दाल बच गई थी, कल बना लेते दाल चावल, तो और दाल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सब्जी लाने का भी टाइम नहीं मिला, कल मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तबीयत अभी ख़राब ही चल रही, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लगा सा रहता है, तो आज देखती हूँ, आज है बुध बाजार तो शायद जाऊँ का नहीं है, तो सब्जी ले रहे थे लेकिन जाना ही पड़ेगा, तो सब्जी लाऊँगी तब कुछ सब्जी बनेगी, तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो जी काम हो गया है फाइनली, साफ़ सफाई सब हो गई है, और जब साफ सफाई का काम हो जाता है तभी लगता है कि हाँ अब काम निपट गया है। तो आटा वगैरह गूंद दिया था मैंने, तो अब ऑर्डर हुआ है दाल की पूरी खाने का, जल्दी से बना लेते हैं पूरी और खिला देते हैं बच्चों को, आ जाइए गरम गरम पूरी खाइए मजे उड़ाइए। और ये दाल की पूरी जो है चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, चाय हो अचार हो दही इन सब के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है, पराठे भी अच्छे लगते हैं ये तो बहुत, खाने पूरी खानी है तो पूरी बना देते हैं बच्चे जो खाएँ पसंद का पूरी बनाना ठीक रहता है, जो पतली पतली पूरी ही छोटी सी लोई और उसकी पतली पतली सी पूरी और छोटी छोटी पूरियाँ बड़ी बड़ी सी पूरी हैं, छोटी छोटी गोल गोल पूरी अच्छी लगती है। बना लेती हूँ खिला देती हूँ बच्चों को, फिर मिलती हूँ आपसे।